Hello everyone welcome back to entertainment tutorial dear students as you watched my previous video lecture you well understood poem 5 trees from honeycomb book grade 7 cbse today in this video lecture we will understand ncert solution and summary of the poem trees first we understand glossary swing

इट मीन्स गैदर मीन्स कलेक्ट करना जैसा हमने पोम में देखा था रेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर की ओर एक डंडा होता है और नीचे की ओर ऐसा होता है कि उसमें हम किसी भी चीज को उठाकर डाल सकते हैं नेक्स्ट फॉल ऑटम पतझड़ का मौसम होता है ना जिसमें पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से हाइड एंड अ गेम वेयर ऑल हाइड एंड वन पर्सन फाइंड दम छुपम छुपाई खेलते हैं ना हम हाइड एंड से जिसमें क्या होता है सभी फ्रेंड्स छुप जाते हैं और एक पर्सन क्या होता है सबको फाइंड आउट करता है ढूंढता है कि सब लोग छुपे हैं नाउ वी डिस्कस कहा सोल्यूशन पेज नंबर एट्टी फोर वर्किंग विद पोम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज है जो ह्यूमन के द्वारा की जाती है जिसमें हम ट्री का यूज करते हैं या फिर ऐसी चीजें बतानी है जिसमें ट्रीज हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं मतलब बात वही हुई आंसर ट्रीज आर फॉर स्विंग्स एंड फॉर प्ले हाइड एंड सीक अंडर देम एंड ट्रीज आर टू ऑर्गेनाइज टी पार्टीज अंडर दम ट्रीज किसके लिए होते हैं झूला झूलने के लिए ट्रीज पर हम रस्सी डालकर झूला झूल सकते हैं ट्रीज के नीचे हम हाईडेंसिक छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं और ट्रीज के नीचे बैठकर हम टी पार्टीज मतलब चाय भी पी सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीज आर टू मेक नो शेट्स इन विंटर वॉट डज दिस मीन टाइम से आपको पता चल रहा होगा कि विंटर सीजन में ठंड के दिनों में है ना ट्रीज हमें शेड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इस लाइन से क्या मतलब है बिकॉज इन विंटर नो वन वॉन्ट्स टू सिट अंडर शेड विंटर सीजन में ठंड के दिनों में कोई भी शेड के नीचे मतलब ट्री के शेड के नीचे बैठना पसंद नहीं करता है क्यों क्योंकि पहले ही ठंड होती है और अगर ट्री के नीचे बैठ गए तो ट्री तो हमें ठंडी छाया ही प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ठंड के दिन रहते तो सब लोगों को किसकी नीड रहती है बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट सनलाइट है ना सूर्य की किरणें. टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम फीलिंग कोल्ड कोल्ड मतलब ठंड से बचने के लिए सब क्या करते हैं धूप में जाकर बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीज आर फॉर एप्पल्स ग्रो ऑन और पियर्स डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ अर ट्री इज टू है आपको ऐसा लगता है जो ट्री है उनका एक पर्पज रहता है फ्रूट प्रोवाइड करना उस पर फ्रूट्स लगते हैं यहां पर जैसे एप्पल एंड पियर्स तो क्या आप इस लाइन से एग्री हो

with the help of your partner try to find rewrite some lines of the poem or add new ones of your own as in the following examples theek hai ab aapko yahan pe two lines di hai trees ke bare mein kya di hai ab hum dekhte hain trees are for birds to build nest in trees are for people to sit under Trees birds के लिए होते हैं कि birds वहां पे क्या बनाते हैं अपना नेस्ट घोंसला घर बनाते हैं ठीक है और ट्रीज किसके लिए होते हैं हम पीपल्स के लिए भी होते हैं कि हम उसके नीचे जाकर बैठते हैं और टी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोम अबाउट वॉटर और एयर आप ट्री से रिलेटेड भी इसमें लाइंस ऐड कर सकते हो और आपको अपनी एक पोम कंपोज करनी है किस टॉपिक पर वाटर और एयर पर एयर एयर इज फॉर पीपल to breathe in air is for kites to fly high in the sky water drink water or bath with water you can never imagine life without water pure water or impure water save the every drop of water dear students Now let's understand the summary of the poem trees. The poem highlights different uses of the trees for different life forms. ठीक है हमने इस poem में क्या देखा trees के different uses देके हमारी life में. While the birds built their nest on trees. Birds क्या होते हैं अपना nest अपना घोंसला बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं. चिल्ड्रेन लव टू स्विंग ऑन their ब्रांचेस बच्चे क्या करते हैं ट्रीज की टहनी पर रस्सी डालकर झूला झूलते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है बिल्ट ट्री हाउसेस और ट्रीज के सराउंडिंग में ट्री हाउस भी बना लेते हैं एंड प्ले अराउंड के अराउंड में क्या करते हैं खेलते हैं जैसे हाइड एंड सीख बेसिकली हमने क्या समझा ट्रीज हाउसेस के लिए भी होते हैं ट्रीज बर्ड्स के लिए भी होते हैं तो बर्ड्स होते हैं अपना घर बना लेते हैं ट्रीज बच्चों के लिए भी होते हैं झूला झूलने के लिए खेलने के लिए मतलब ट्रीज हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ट्री के हमारी लाइफ में बहुत सारे यूसेस हैं। ट्रीज गिव कूल शेड एंड ब्रीज इन समर्स आपको पता है ट्रीज हमें ठंडी छाया छाव देते हैं जब हमें गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं ट्रीज के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं एंड प्रोवाइड फ्रूट्स एंड टिम्बर और हमें क्या देते हैं फ्रूट्स टिम्बर ड्यूरिंग विंटर विंटर सीजन के टाइम पे ट्रीज प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स और बहुत सारी चीजें हमें ट्रीज से मिलती है लाइक गम ऑक्सीजन फ्रूट्स वेजिटेबल टेम्बर एक्सेट्रा

पेड़ों में से बहुत सारी पत्तियां गिरती है ना तो उन पत्तियों को उनको क्या करना है रैक करना है मतलब उठाना है जैसे आपको पता है रैक एक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर की ओर एक डंडा होता है और नीचे की तरफ उसमें एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें हम कुछ भी उठा के डाल सकते हैं तो इतनी सारी पत्तियों को उठाना तो ये फादर्स के लिए क्या है डिफिकल्ट जॉब है होप यू वेल अंडरस्टूड द दी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन थैंक्स फॉर वॉचिंग